नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जितनी महंगाई पिछले 70 सालों में नहीं बढ़ी, उससे कहीं ज़्यादा महंगाई दोस्तों 8 सालों में बढ़ी है। लेकिन जैसे ही महंगाई की बात आती है, आपको तो पता ही होगा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम जरूर आएगा, क्योंकि ये एक ऐसी मंत्री थी जो महंगाई को लेकर सड़कों पर उतर जाती थी और सिलेंडर लेकर धरना भी दे देती थी। लेकिन आज जब वो सत्ता में है तो महंगाई के लिए एक शब्द नहीं बोल पा रही। वहीं दोस्तों आपको बता दें, आज जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गृह मंत्री अमित शाह पर लिखी किताब के विमोचन के कार्यक्रम के लिए पुणे गई थी, वहीं जब पता चला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आई हुई हैं, तो दोस्तों एनसीपी कार्यकर्ताओं ने होटल के बाहर महंगाई को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। वहीं कुछ महिलाएँ गैस सिलेंडर लेकर तो कुछ महिलाएँ चूड़ियाँ लेकर पहुँच गईं। वहीं आपको बता दें, कार्यकर्ताओं में इतनी ज़्यादा नाराजगी थी कि कार्यक्रम को उग्र होते देख कई कार्यकर्ताओं के पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं दोस्तों कांग्रेस और एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर धरना दिया और जमकर नारेबाजी भी की और कहा महंगाई की रानी स्मृति ईरानी। वहीं दोस्तों इसके पहले भी कई बार स्मृति ईरानी को ऐसे हालातों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि विपक्ष आखिर करे तो करे क्या। फिलहाल दोस्तों इस सब चीज़ों पर आपकी क्या है राय, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप सभी लोगों को ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।